ये देखें, कोई बटन नहीं टच किया, गाड़ी खुद ब खुद अनलॉक हो गई है। इसने इंटीरियर की गेम को बढ़ा दिया। एक पेटी हम लोग दे रहे हैं और साथ में ये रिम टायर दे रहे हैं अपने सारे, और हमें मिल जाएंगे एक न्यू रिम्स। ऐसा कुछ जनाब, माशाल्लाह से फारिग पेट्रोल पंप है ना। जंगल्स की हाल चाल, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आपका भाई एकदम फिट फाट जबरदस्त है यार। अभी तक तो नाश्ता भी नहीं किया भैया, आपका रात बैठ के एडिटिंग कर रहा था। खैर अभी उठे हैं और नाश्ता नाश्ता जाकर बाहर ही करेंगे आज। अरे चुप कर जा भाई। हर गाड़ी को बाहर क्यों निकाला है बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले चेक करो, ये हम लोगों ने दो टायर्स निकाले हैं 205/40/17 के, और भी उतार के ला रहा हूँ। गाड़ियों का जंक यार्ड है, एक और हमारे पास टायर पड़ा है, बट ये वाला अभी हमें टायर नहीं चाहिए। ये वैसे आई थिंक 215/50 पड़ा हुआ है शायद, हमारे अभी फ़िलहाल किसी काम का नहीं है। गेट खोला, ऊपर वाले फ्लोर की काफ़ी दिनों से सफाई नहीं, घर वाले हैं नहीं यहाँ पे, तो बस अंधेरी ख़राब किया हुआ है। बाकी चार अब ये टायर उतारने हैं, जैनवन जो जी एल ई को स्टपनी आती है वो स्टपनी है। ऊपर टायर लगे हुए हैं 195/65 के। अकेला बंदा अब ये सब कुछ चारों को नीचे उतारेगा। ओए होए, और नाश्ता भी नहीं ऊपर से किया बॉस। चेक करें बॉस हाथों क्या हाल हो गया। दो टायर भी उतर गए, तीन स्टपनियों वाले टायर भी उतर गए, आखिरी स्टपनी वाला टायर कैसे उतारा है देखना चाहते हैं। yes. दिखाएं आपको, ये चेक करें, ये लगभग ज्यादा ये चवल ना बाजे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओए 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 ओ तेरी, अगर किसी ने व्लॉग देखा पुराना उनको पता होगा गाड़ी के साथ क्या गेम हुई है। जिनको नहीं पता उनको पता चलेगा। चेक करो, जो बड़ी गाड़ियां कन्वर्ट करते हैं लोग, बट ये वाला काम बेचारे नहीं करते, बिकॉज इसमें वायरिंग कटिंग और ये टेंशन सारी थी। हम लोगों ने वायरलेस किट लगवाई है, कोई ज़्यादा कटिंग वाला काम नहीं। अगर आपने भी करवानी है आप लोग करवा सकते हो, मैं से रब्ता कर लेना, भाई आपका आपको गाइड कर देगा। कंप्लीट वीडियो भी पड़ी है, लास्ट वीडियो जाके देखो, सारी इसी के ऊपर आप लोगों को तमाम इसकी गाइड मिल जाएगी। अभी आप लोग चेक कर सकते हैं, गाड़ी लॉक है, ये हमारी जनाब की है। हम लोग गाड़ी के पास लेके जा रहे हैं, जैसे ही हम लोग गाड़ी के पास जाएँगे गाड़ी खुद ही अनलॉक हो जाएगी। चलो मेरी जान, ओए थोड़ा और करीब जाते हैं ना। बिस्मिल्लाह रहमान। ये देखें, कोई बटन नहीं टच किया, गाड़ी खुद ब खुद अनलॉक हो गई है। अब सिंपली आपने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, आप बैठे गाड़ी में, और जो सबसे मेरी जान ज़रूरी चीज़ है ना वो मैं आपको बताता हूँ, वो है बिस्मिल्लाह। आपने सबसे पहले पढ़नी है बिस्मिल्लाह, उसके बाद जो अपनी ब्रेक है उस पर रखने पाऊँ। और ये आ गया अपना जनाब शशका असल, पैसे यहाँ पे आपके वसूल होने हैं। ये आपने दबाया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या बात है, क्या बात है। वो चाबी चुबी वाला जो इधर चक्कर होता है, ए राइट हियर, वो आपका हो गया सारा कैंसिल। अब कोई टेंशन नहीं, सुकून से गाड़ी को आप लोग, हाय हाय सांस चढ़ गया, बहुत गर्मी बहुत थी। गाड़ी आपकी रेडी टू गो है, सिंपली पुश स्टार्ट आपका बटन लगा हुआ है। कोई ये नहीं कि पहले चाबी लगाओ उसके बाद पुश स्टार्ट होगा, ना, सिंपली गाड़ी में आना है। गाड़ी की बस गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, जैसे हर एक गाड़ी में कीलेस एंट्री सिस्टम होता है, वैसे ही की गाड़ी के अंदर अगर होगी, ब्रेक पे पाँव रख के पुश स्टार्ट बाओ, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये की गाड़ी से बाहर है या गाड़ी से दूर है तो आपका नहीं होगा, इसलिए स्टार्ट होगा। बाकी एंड्रॉयड पैनल भी हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है। क्या बात है यार, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है मेरी अभी तक की, क्योंकि इसने इंटीरियर की गेम को बढ़ा दिया। अभी मुझे ज़रा बताएं कि ये थीम कैसा है। इसमें काफ़ी सारे थीम है, इसमें जाते हैं हम लोग, ज़रा खुले एक मिनट आपको चेक करवाता हूँ मैं सारे थीम। बस ये सारे थीम है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं कौन सा वाला लगाऊँ, तो आप लोग ना ज़रा मुझे रिकमेंड करो आपको कौन सा सही लगता है। जो सा फिर आप लोग रिकमेंड करोगे ना भैया आपका वो वाला थीम लगा लेगा। बहुत सारे इसमें थीम है, ये चेक कर लो सारे और मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन से वाला थीम करना है। ओके हो गया बॉयज। ओके हाँ जी, तो बॉयज एंड गर्ल्स की हाल चाल, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई एकदम फिट फाट जबरदस्त है। तो यार आज तो आपके भाई ने इंट्रो करने से पहले आप लोगों को गाड़ी के बारे में काफी सारी चीजें बता दी हैं, जो कि गाड़ी में नए मॉड्स हम लोगों ने किए हैं, जैसे कि अपना कीलेस एंट्री सिस्टम हो गया, एंड्रॉइड आ गया। खैर जो तो पहले पिछले व्लॉग्स देख रहे हैं ऑलरेडी उनको तो पता है जनाब ये मोड आ गया, उन्होंने तो डिटेल वीडियोस भी देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी आप लोग जाके लाजमी देख लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, ये आईडी है। तो आज की बरहल क्या अपडेट है वो आपका भैया आपको बताए। तो जनाब ये आपको पीछे रिम टायर नजर आ रहे हैं, जो कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो ये रिम टायर हम लोग दे रहे हैं और साथ ऑब्वियसली पैसे भी दे रहे हैं, समझ लो एक पेटी हम लोग दे रहे हैं और साथ में ये रिम टायर दे रहे हैं अपने सारे, और हमें मिल जाएंगे
एक न्यू रिम्स विद टायर्स अपनी गाड़ी के लिए। चलते हैं अब जरा पकड़ते हैं नए रिम टायर और इस ब्यूटी पे करते हैं फिट। आइए देखते हैं मजा आएगा। यार नाश्ता नहीं था किया हुआ, नाश्ता आगे किया रोहेल की तरफ से। और ये रही अपनी गंदी मंदी सोनिक। ओए साइड से हो, साइड से हो, साइड से हो, ये चेक करो है माशाल्लाह अपनी स्पार्टर सिविक बॉयज यहाँ पे खड़ी है। और अक्सर लोग कह रहे थे इसके रिम नहीं अच्छे, रिम आप लोग चेक करें। ओए क्यों है ये, क्या है ये, क्या मतलब भूसी हो क्या गया, ये क्या हुआ? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। खैर एक्टिंग कर रहे थे छोटी मोटी सी। खैर बताते हैं आप लोगों को रिम के साथ सीन क्या हुआ। सीन इस तरह हुआ कि जनाब एक टायर फट गया था तो नया टायर यहाँ से मिल नहीं था रहा, हमें मंगवा लिया, अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं है, इसलिए तब तक उसके बाद जेन्युइन रिमो पे हम लोगों ने कर दिया। और अपनी इस ब्यूटी के लिए हम लोगों ने नए रिम्स मंगवाए हैं और वो इंशाल्लाह आज हम लोग करेंगे फिट। उससे पहले इसको स्टार्ट करके बाहर निकालना है, एक अजाब है, अंदर चलते हैं, इसमें बैठते हैं, गंदी काफी है, वॉश करा लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ओके अक्सर भाई अब ये सोचे होंगे कि जो सिंगल स्विच डबल स्विच होता है वो इस तरह पुश स्टार्ट पे फिर कैसे काम करेगा। अगर आप ब्रेक पे पांव रखे बगैर बटन दबाते हो, ये आपका सिंगल स्विच ऑन हुआ, ये आपका डबल स्विच ऑन हुआ, और ब्रेक पे पांव रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। मजा नहीं आ रहा है, रुको जरा सबर करो। अरे A few moments later. वो आ गया भाई अपना पुराना डेंटर और रोहेल ने कहा था उसके सामने यू टर्न है और यू टर्न के राइट साइड पे कोई टायरों वाली दुकान है, आई थिंक वो वाली दुकान है। तो अभी चलते हैं और उठाते हैं अपने रिम। एक सेकंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो इतने जगह ही नहीं है माशाल्लाह, गड्डी लान दी बंदे थे वो तरार। इधर साइड पे करके लगाते हैं, ये हम लोगों ने लगा दी गाड़ी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सीधी पतरी करके। क्या ही बात है, क्या ही बात है। जो रिम टायर इनको देने थे हम लोगों ने दे दिया और ये आ गया जनाब हमारा रिम। अभी इसको गाड़ी में रखवा रहे हैं, अंदर जाके दूसरी दुकान पे जहाँ से हम लोगों ने फिटिंग करवानी है ना इन रिम टायर की, वहाँ पे आपको जाके रिम प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कितना जेजे रिम है। इस अब आए तो थे हम लोग अपनी सोनी के ऊपर ब्रांड न्यू रिम्स लगवाने के लिए, जो कि हमारे जनाब ये पड़े हुए हैं रिम्स। अभी आपको उतने प्यारे नहीं लग रहे होंगे जनाब, गाड़ी पर लगेंगे, वॉश होंगे, फिर असल लुक आएगी। अभी बेचारे गंदे हुए पड़े हैं। बाकी जनाब इसके ऊपर 215 45 17 के चारों रिमों के ऊपर टायर लगे हुए हैं और हम लोग इनके ऊपर वो कितने गए टायर कितने गए वो पता नहीं कितने गए। गाड़ी के अंदर दो टायर पड़े हैं ना, वो भी निकाल लाओ, वो पीछे पड़े हैं जनाब। वो हमारा पड़ा हुआ है 205 40 17, ठीक है। दो टायरों पे हम लोग 205 40 17 लगा के उनको आगे कर देंगे ताकि हमारी गाड़ी आगे से भी डेड होकर चल जाए और पीछे हमारा 215 45 17 रहेगा और जो टायर एक्स्ट्रा बचेंगे वो वंस अगेन स्पेयर टायर के तौर पे हम लोग रख लेंगे। ओके हो गया बॉयज। ओके अभी उस्ताद जी जरा रिम शिमो को चेक कर रहे हैं कि रिम सही है अभी है कि नहीं। उस्ताद जी टायर देख के कोई शायद याद आई जे, अब पता केड़े टायर ने अग लाग नहीं सी जिन्हां नूं स्ट्रेच कर दे रहे थे पानी नाल, बड़े पंगे की है बॉस, ये नहीं स्ट्रेच हुआ। यहां से स्ट्रेच करके निकला हूं, वो अपना उधर जाके तहसील चौक में ये दोबारा स्ट्रेच उतर गया, फिर वापिस आया। हाँ हूं एला रिम ज्यादा चौड़ा नहीं ना, एले रिम उत्ते चढ़ जाना। हाँ उम्मीद है जनाब ये चढ़ के ना हमारी मौज लग जानी है। मैं कहता तो बहुत प्यारी हमारी गाड़ी ड्रॉप होनी है। आया तो था मैं अपनी गाड़ी का काम कराने, ठीक है। सीट में ये अपनी बेला क्या कर रही है इधर भाई? बेला को हम ये वाले रिम टायर लगाने लगे हैं बिला वजह अच्छे भले स्पार्टर इसको रिम लेके दिए हैं, बट जनाब ये बंदा पीछे पड़ा के मैंने एक दफा ये रिम लगा के देखने भाई। पहले बात समझ आती रख लेंगे, क्या बात है, पहले तो बात समझ में आती थी जब ये व्हाइट था, अब जब मैंने इसको करा दिया तो अब क्यों करवा रहे हैं ये वाला रिम? दोबारा व्हाइट करा देंगे ताकि ये ले ही ना सके। और तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। तो बहरहाल अभी हमारे ये वाले चारों के चारों रिम टायर पूरा का पूरा सेट उतर के बेला पे जाने वाला है, ठीक है। फिर ये खाली हो जाएगी और इसके ऊपर वो ये आ जाएंगे भाई साहब। मुझे लग रहा है ये रिम अच्छा लगेगा, ये बाहर किसी करोला के मॉडल के अंदर आता है। बाकी जिन दो रिमों के ऊपर से हम लोगों ने टायर की प्रोफाइल चेंज करनी है उनका उतर रहा है, ओके सीन हो रहा है। हेलो जी, आ गया जनाब अपना 205 40 17। अगर इन्होंने मजा करवाया और लुक अच्छी निकला ही ना तो ब्रांड न्यू भी लेने का सोच लेंगे, वरना भाई 215 45 17 ओके चल रही है हमारी, कोई टेंशन ही नहीं है। मैं भी इस प्रोफाइल पे जाएं। यार जो क्रोम वाले होंगे वो चाहिए कंप्लीट चाहिए ने, पूरा सेट चाहिए नहीं इस तरह के, नहीं रिम लाया रिमन लाने वाला जेड़ा
हाँ शर्ट तो हमें मिले कोई नहीं है फिलहाल। बच्चे को फिर बोला कि जो से हमारे पहले वाले नट लगे थे वही लगा दे, स्टील वाले हम लोग बाद में लगा लेंगे। वैसे यार ये चेक करो जरा, मैं कहता हूँ क्या ही पप्पू लुक आ रही है, ब्लैक का कंट्रास्ट, काला रिम अच्छा लग रहा है। सारे लोग मुझे कह रहे थे ए उस्ताद अली कह रहे थी यार एक गिलास पानी मेनू भी पिया दे यार, पहले पानी पीते हैं फिर आगे बात करते हैं। ओके प्यास लग चुकी है बस, गर्मी है बहुत। पानी शानी हम लोगों ने पी लिया, रिमो की जनाब फिटिंग चल रही है। मैं कहता हूँ भाई मुझे तो फिलहाल तक बड़ी चासा आ रही है, अल्लाह ख्याल रखे ये फिट हो जाए। और हाँ ये बेचारा जो चाह रहा था वो मुमकिन नहीं हो सका, हुआ कुछ इस तरह से है जनाब के इसके अंदर ना इतनी स्पेस है ही नहीं थी हमारे रिम के वो इसके नटों पे लग सके, इस वजह से हम लोगों ने फिट नहीं किया। अभी उस तो आज फिर भी पंगा शंगा करके उसको देख रहे हैं, नहीं बल्कि उतार रहे हैं क्योंकि वो जो लगाए भी थे वो भी बेचारे नट पा गए हैं। भाई चंगा बड़ा तो मेरा रेमर आ गए यार, गाड़ी को थोड़ा सा इग्नोर मारो, बहुत ज्यादा गंदी है, वॉश करा लूंगा। जनाब रिम हमारे सारे लग चुके हैं और जो पुराने रिम है वो खुल जा, ये खुल गया, ये हमारे आगे पुराने रिम। अब निकलते हैं गाड़ी को वॉश कराते हैं। यार गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है यार इन रिम टायर्स पे। वैसे ही हम कार गए इसको जब भी कोई नई चीज आती है बेशक पुरानी जितनी मर्जी प्यारी हो, फिलहाल मुझे ये स्ट्रेट रिम क्योंकि नया आया बहुत प्यारा लग रहा है। A few moments later. ओ भाई सब काम हमारा हो चुका है डन, नाउ वी आर रेडी टू गो। एयर वाला रिमोट है हमारी जेब के अंदर और ये दूसरा हमारा कीला सेंट्री वाला रिमोट है, ये जनाब पकड़ा, गाड़ी हमारी अनलॉक है, क्लोज रिमोट ऑलरेडी पास है। और उससे पहले जरा चलाते हैं अपनी डायनेमिक लाइट्स, ये चेक करिएगा जरा शशका है, ये क्या बात है क्या बात है क्या बात है, मैं कहता चस्सा है चौधरी, माहौल तो है अपनी गाड़ी का, गेम तो है अपनी गाड़ी की। चले सीट काफ़ी खान साहब ने आई कर दी थी, ये की सीट थी ना पीछे। अब हम लोग करते हैं गाड़ी को देते हैं स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 चौधरी क्या गेम है हमारे स्टार्ट की, ये गाड़ी इतनी बहुत है मेरे ख्याल से ऊंची। अब रोहेल साहब को बोला कि हमारा वहां से एक आधा सिनेमैटिक बनाए गाड़ी, हम लोग वहां पे जाके लगाते हैं सुकून से और गाड़ी करवाते हैं फ्यूल अप। वो रोहेल साहब बना रहे हैं शॉट, ऐसा कोई जनाब माशाल्लाह से फारिग पेट्रोल पंप है ना, फोन कहते यूज करना अलाउ नहीं है, हर जगह जाके बंदा वीडियो बना लेते हैं ऐवी, बस जो है ना अकेला आप किसी बंदे को खुश नहीं देख सकते, ठीक है आप किसी बंदे के लिए कुछ अच्छा नहीं ना कर सकते, आप एटलीस्ट उस बंदे के लिए बुरा भी ना करो। अब ये गो का पेट्रोल पंप है, ऐसी कोई थकड़ हरकत इस बंदे ने की है ना और इतने बुरे तरीके से बोला है, मेरी आदत कैसी है आप सबको पता है। छोटा बनना सीख लो अल्लाह बड़ा कर देगा, माफ करना सीख लो अल्लाह इज्जत दे देगा, दरगुजर करना सीख लो अल्लाह ठंडक पहुंचा देगा।